जीत टीवी। ये कहानी है एक छोटे से गांव में एक पंसारी की। पंसारी अर्थात एक दुकानदार। उसकी दुकान में बहुत से चूहे रहते थे। वहां उन्हें खाने का भरपूर सामान मिल जाता था। वे अनाज, सूखे मेवे, ब्रेड, बिस्कुट, जैम, चीज आदि कई सारी चीजें छुपकर खा जाते थे। चूहों के कारण उस दुकानदार को काफी नुकसान हो रहा था। एक दिन उस पंसारी ने सोचा कि इसी तरह ये चूहे अगर मेरा नुकसान करते रहे तो मेरी पूरी लाभ की कीमत ये चूहे ही खा जाएंगे। इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई उपाय करना होगा, वरना ये चूहे मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक दिन पंसारी एक बड़ी और मोटी सी बिल्ली ले आया और उसने उस बिल्ली को दुकान में छोड़ दिया। अब चूहे खुलेआम घूम फिर नहीं सकते थे। वे दुकान से सामान बहुत आसानी से नहीं ले जा सकते थे। बिल्ली हर दिन किसी ना किसी चूहे को पकड़ती और उसे मारकर खा जाती। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। इससे चूहों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने इसका उपाय ढूंढने के लिए सभा बुलाई और सभी चूहों ने एक स्वर में कहा कि हमें इस बिल्ली से छुटकारा पाना ही होगा, पर छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए यह सभा में किसी को नहीं सूझा। तभी एक होशियार चूहे ने हाथ खड़ा किया और कहा कि बिल्ली बहुत चालाक है, वह दबे पांव बड़ी फुर्ती से आती है, इसलिए हमें उसके आने का पता नहीं चलता। अगर हम उसके गले में घंटी बांध दें तो जैसे ही वो आएगी हमें पता लग जाएगा कि बिल्ली आ चुकी है। सभी दूसरे चूहों ने बात का समर्थन किया। वाह, क्या बात कही है, जब बिल्ली चलेगी तो उसके गले में घंटी बजेगी, हम घंटी की आवाज सुनकर सावधान हो जाएंगे। हम इतनी दूर रहेंगे कि वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सभी चूहों ने इस सुझाव का समर्थन किया। सारे चूहे खुशी से नाचने लगे। तभी एक समझदार और बूढ़ा चूहा खड़ा हुआ और उसने कहा, खुशियां मनाना बंद करो और ये बताओ कि उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। बात बहुत लाजमी थी। सभी चूहों ने योजना तो बना ली थी, लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये सवाल सुनकर सारे चूहे चुप हो गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा, क्योंकि कोई चूहा तैयार नहीं था कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांधे। कोई चूहा अगर ऐसी हिम्मत करता तो बिल्ली उसे मारकर खा जाती, और ऐसी बेमौत मरना कोई चूहा नहीं चाहता था। सीख कि हम कभी कभी कई सवालों, कई सुझावों को अपने जहन में लाते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं, लेकिन क्या हर सुझाव, हर ख्याल को पूरा कर पाना हर किसी के बस में होता है? नहीं। कुछ सुझाव, कुछ समझ, बस समझ तक सीमित रहे तो अच्छी है।
उसे वास्तविकता का रूप देना कोई आसान बात नहीं। इसलिए जिस सुझाव पर अमल ना हो सके, वह सुझाव किसी काम का नहीं होता। ईट टीवी।